हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज एडजेक्टिव. तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको मॉडिफाइज करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव. जैसे कल हमने पढ़ा था, क्वालिटेटिव पढ़ा था और क्वांटिटेटिव पढ़ा था. अगर नाउन की क्वालिटी को बताता है तो उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव. गुड है, बैड है, इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, तो ये क्या है, हमारी क्वालिटी बता रहे हैं किसकी, नाउन और प्रोनाउन की. तो उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, क्वालिटेटिव. और क्वांटिटेटिव होते हैं जब हमें क्वांटिटी बताते हैं, चाहे वो डेफिनेट क्वांटिटी बता रहे हैं, चाहे इनडेफिनेट क्वांटिटी बता रहे हैं. क्लियर? तो आई होप सबको क्लियर होगा. अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं. टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम. तो जितने भी यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, चीप कार है, एक्सपेंसिव कार है, तो सारे ये क्या हैं बच्चों, एडजेक्टिव हैं. क्योंकि ये सारे जो हैं, अगर हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो हमें क्या बताएंगे, मॉडिफाइज नाउन. क्लियर? तो कल बच्चों हमने डेफिनेशन जो है डिस्कस करी थी कि डेफिनेशन क्या होती है. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब और मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. क्लियर? क्वेश्चन कैसे हमारे माइंड में बनते हैं बच्चों, व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन, हाउ मच. तो यहाँ पे हमने कल एग्जांपल्स डिस्कस करे थे कि किस तरह से यहाँ पे जो भी सेंटेंस में हमारे माइंड में, अगर यहाँ पे 10 कैंडीज लिखी है तो हाउ मेनी कैंडीज, या रेड कार है तो कौन सी कार आपको पसंद है, या आई अर्न मोर मनी, या डेंजरस जो है बैट्समैन है, या गुड बैट्समैन है, तो किस टाइप के बैट्समैन है. इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हमारे माइंड में आते हैं. फर्स्ट हमने टाइप्स में पढ़ा था बच्चों, डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव, जिसमें नाउन की क्वालिटी को बता रहा है. जैसे यहाँ पे क्या है, बॉय, बॉय कैसा है, क्लेवर. सिटी कैसी है, लार्ज. मैन कैसा है, टॉल. गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल. पैन कैसा है, ब्लैक. तो ये सारे वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन को. क्लियर? सिमिलरली टॉल है, शॉर्ट है, टॉल है, राइट. तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, चाहे हम टॉल मैन कह रहे हैं, चाहे शॉर्ट मैन कह रहे हैं, या टॉल ट्री कह रहे हैं, शॉर्ट ट्री कह रहे हैं, या टॉल जिराफ कह रहे हैं, तो ये सारे क्या है, हमें हमारे एडजेक्टिव है. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव. और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी बता रहे हैं. तो टू टाइप्स की होती है क्वांटिटेटिव. एक होता है डेफिनेट. डेफिनेट में भी टू टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर्स होते हैं जब हम एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तो दैट इज कॉल्ड योर कार्डिनल नंबर्स. और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, जब हम क्या कहते हैं, डिनोट्स ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट. क्लियर? उसे बोलते हैं हम ऑर्डिनल. इनडेफिनेट क्या होते हैं, जो हम कहते हैं सम, फ्यू, लिटिल, एवरी, नोबडी, सेवरल. तो ये क्या है, हमें डेफिनेट एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे, इसे हम कहते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव. तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था बच्चों कि दिस इज माई फर्स्ट कार. हमने ये नहीं बोला कि दिस इज माई वन कार, दिस इज माई फर्स्ट कार, कि ये मेरी क्या है, पहली कार है. या देयर आर टू पीपल ऑन द काउच, तो देयर आर टू. तो क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं. द गेम इज स्टार्टिंग इन 2 आवर्स, तो क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी को बता रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों, दो हमने कल यस्टरडे डिटेल में पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. तो थर्ड क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूट. अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है बच्चों, ईच. अगर पूरे ग्रुप में रेफर टू नंबर, तो डेफिनेशन क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, रेफर टू नंबर मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप. अगर आप मान लो कोई क्लास का ग्रुप है और हम एक बच्चे के लिए बोल रहे हैं एज इंडिविजुअल, तो पूरे ग्रुप को हम एक से जो है रेफर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. रेफर टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप. रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप एज इंडिविजुअल, एज इंडिविजुअल. अब हम क्या कह रहे हैं, ईच गर्ल हैज अ बुक. एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ईच गर्ल हैज अ बुक. इसका मतलब क्या है कि हम बहुत सारी लड़कियां हैं और सबके बारे में बात कर रहे हैं कि प्रत्येक लड़की के पास क्या है, बुक है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन क्या है आपकी, रेफर टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप एज इंडिविजुअल.
एक के बारे में बात कर रहे हैं बट पूरे ग्रुप के लिए बोल रहे हैं कि ईच गर्ल हैज अ बुक, कि प्रत्येक लड़की के पास क्या है, बुक है। तो यहाँ पे हमारा ईच क्या है बच्चों, एडजेक्टिव, गर्ल क्या है आपका नाउन, कॉमन नाउन, क्लियर। तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सारे क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि प्रत्येक लड़की के पास क्या है, बुक है। एक ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं हम। सिमिलरली ईच बॉय वॉज गिवन एन एप्पल, कि प्रत्येक बॉय को, लड़के को क्या दिया गया है, वॉज गिवन एन एप्पल। एवरी मैन इज इमोशन, तो हम प्रत्येक ग्रुप के बारे में बता रहे हैं बट एज ए इंडिविजुअल भी हम बोल रहे हैं कि एवरी मैन इज इमोशनल। ईदर बुक इज योर्स, अब यहाँ पे बुक्स रखी है और हम कह रहे हैं ईदर बुक इज योर्स, कि उसमें से एक क्या है आपकी है, ईदर बुक इज योर्स। अगर हम नीदर कहेंगे तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव में जा रहे हैं हम। नीदर बॉय इज हैंडसम, कि बहुत सारे लड़के हैं बट उसमें से कोई भी लड़का जो है हैंडसम नहीं है, नीदर बॉय इज हैंडसम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, रेफर टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप एज इंडिविजुअल, ग्रुप की बात कर रहे हैं हम बट इंडिविजुअल की बात करते हैं। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का भी, ईदर कि बहुत सारी बुक्स है उसमें से एक क्या है तुम्हारी है, नीदर बॉय इज हैंडसम, कोई भी जो है हैंडसम नहीं है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम यूज करते हैं, ये सारे हमारे क्या है, गर्ल, बॉय, मैन, बुक, बॉय क्या है हमारी नाउन, क्लियर। लेट्स सी द एग्जांपल, यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, ऑल स्टूडेंट्स आर लुकिंग स्मार्ट, अब हम क्या बोल रहे हैं कि सारे बच्चे जो है क्या दिख रहे हैं, लुकिंग स्मार्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच का, ईच स्टूडेंट इज वियरिंग अ यूनिक ड्रेस, कि प्रत्येक बच्चे ने जो है कैसी ड्रेस पहनी हुई है, यूनिक। हियर द स्पीकर इज रेफरिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वन बाय वन, यहाँ पे हम सबकी बात कर रहे हैं एक बच्चे की, कि प्रत्येक बच्चे ने क्या पहन रखा है, यूनिक ड्रेस, क्लियर। यहाँ पे आप एग्जाम्पल से भी आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि हम जो है पूरे ग्रुप की भी बात कर रहे हैं और एक स्टूडेंट से या एक व्यक्ति से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर, कि ईच स्टूडेंट इज वेयरिंग अ यूनिक ड्रेस। तो प्रत्येक स्टूडेंट ने, राइट, बहुत सारे स्टूडेंट है और प्रत्येक के लिए बोल रहे हैं कि हर बच्चे ने जो है इज वेयरिंग अ यूनिक ड्रेस, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं आपको इंट्रोगेटिव, एब्जेक्टिव। तो तीन कौन कौन से पढ़े बच्चों हमने, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड नेक्स्ट इज योर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव अब वर्ड से ही पता चल रहा है आपको, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इंट्रोगेटिव प्रश्न वाचन एंड इंट्रोगेटिव एब्जेक्टिव आस्क अ क्वेश्चन, क्या पूछते हैं इसमें, आस्क अ क्वेश्चन एंड इंट्रोगेटिव एब्जेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाई ए नाउन। कोई भी, अभी हमने क्या पढ़ा था कि नाउन को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी कौन से होते हैं, मस्ट बी फॉलोड बाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आर, अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, विच, वॉट, बट यहाँ पे आपको एक बात में फोकस करना है कि अगर विच, वॉट, हुज के बाद अगर आप नाउन और प्रोनाउन को यूज नहीं करते तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा, क्लियर। जब तक कि हम इसके बाद क्या नहीं यूज करेंगे, कोई नाउन या प्रोनाउन को यूज नहीं करेंगे तब तक ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे। तो ये बात आप लोग जो है फोकस करें इस पे। तो विच, अगर हम कहेंगे विच इज, तो वो क्या है बच्चों आपका, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि हमने उसके बाद क्या यूज करा है, वर्ब, क्लियर। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद क्या यूज करना है आपको, नाउन या प्रोनाउन। द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर विच, व्हाट, हूज, दीज वर्ड्स, अब यहाँ पे देखो जो अभी हमने डिस्कस किया है, दीज वर्ड्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एडजेक्टिव, इनको हम कंसीडर्ड कब नहीं करेंगे, इफ अ नाउन डज नॉट फॉलो राइट आफ्टर देम, अगर नाउन को हम इनके तुरंत बाद यूज नहीं करेंगे
तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं कहलाएंगे, क्लियर। हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे, क्लियर। हुज ऑल्सो बिलोंग्स टू द पॉसेसिव एडजेक्टिव। लेट्स सी द एग्जांपल। अब हमने यहां क्या बोला बच्चों, विच फोन, क्लियर। तो हम यहां किसकी बात करें, फोन की बात करें, तो विच फोन, व्हाट गेम, हुज कार, किसकी कार है, विच रोड, तो यहां पे जो है ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेट्स सी द एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। यहां पे क्या है बच्चों, बुक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, हुज बुक, किसकी किताब, तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे नाउन को यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे कह रहे हैं हम विच कार, तो विच के बाद हमने क्या यूज करा है, नाउन यूज करा है कि विच कार आर यू ड्राइविंग, व्हाट कलर इज दिस फ्लावर, कि इस फ्लावर का कलर क्या है, कैसा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, नाउन को यूज करें, हुज कार हो गया आपका, विच कार हो गया, क्लियर, आर यू ड्राइविंग। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का सिंपल सा क्या है, इसके बाद आपको क्या यूज करना है, नाउन और प्रोनाउन, जस्ट आफ्टर। क्लियर, तो किस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझ में आ गया बच्चों, और दूसरा हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स आपको सबको पता है कौन कौन से होते हैं, अगर उनके बाद हम नाउन या प्रोनाउन को यूज करेंगे तभी ये क्या कहलाएंगे, हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, अदरवाइज नहीं। अगर हम इसके बाद वर्ब को यूज करेंगे तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं कहलाएंगे। अगर मैं कहूंगी विच इज योर कार, तो यहाँ पे नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने कार को बाद में यूज करा है, नाउन को, विच इज योर कार, क्लियर। अगर हम कहेंगे विच कार आर यू ड्राइविंग, कि तुम कौन सी कार को ड्राइव कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, विच के बाद क्या है, नाउन है, दैट इज वाई इट इज योर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्लियर। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि हम किसको रेफर कर रहे हैं, रेफर टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप एज इंडिविजुअल, इस पे आप फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, या यहाँ पे हम प्रत्येक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, कि ईच स्टूडेंट इज वेयरिंग अ यूनिक ड्रेस, हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब बच्चों की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, कि प्रत्येक स्टूडेंट ने जो है इज वेयरिंग अ यूनिक ड्रेस। सिमिलरली इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, आस्क अ क्वेश्चन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय ए नाउन और ए प्रोनाउन, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, कीप इट इन माइंड, द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर विच, व्हाट, हुज, दीज वर्ड्स कब नहीं होते, इसको भी आप जो है फोकस करें यहाँ पे, दो दीज वर्ड्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एडजेक्टिव, कब हम एडजेक्टिव नहीं कंसीडर करेंगे, इफ अ नाउन डज नॉट फॉलो राइट आफ्टर देम, क्लियर। कि अगर हम कोई भी विच है, व्हाट है, हुज है वर्ड यूज करें, इसके बाद अगर हम नाउन को यूज नहीं करेंगे तो क्या हम कंसीडर नहीं करेंगे इनको इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक आपकी जो है विषय एडजेक्टिव्स, क्लियर। नेक्स्ट है जो आपका आते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव। अब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, दिस, दैट, दोस, अब कैसे आपको पता चलेगा कि दिस, दैट जो है एडजेक्टिव्स हैं, क्लियर। तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली रिफर्स टू समथिंग और समवन। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इंक्लूड दिस, दैट, दीज, दोस, कौन कौन से वर्ड होते हैं बच्चों डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेट करें, दिस सिंगुलर के लिए यूज करते हैं जब कोई चीज जो है स्पीकर के पास होती है, नियर, दैट कहते हैं जब हमारी दूर होती है बट सिंगुलर होती है, दिस का प्लूरल होता है दीज, दैट का क्या होता है बच्चों दोस। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्क्स अलोन एंड डज नॉट प्रोसीड। अब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था, क्लियर। डिफरेंस क्या है दोनों में, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वर्क्स अलोन, ये हम अकेले यूज कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे एग्जाम्पल से,
does not precede a noun but a demonstrative adjective always comes before the word it modifies. जिस वर्ड को या नाउन को वो मॉडिफाइज कर रहे हैं उससे पहले हम यूज करते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, बट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम एलोन भी क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं. क्लियर? अगर नाउन करेंगे हम उसके बाद यूज तो वो कहलाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो उसको मॉडिफाई कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है बच्चों, दैट बिल्डिंग. अब बिल्डिंग क्या है आपका, किसी भी हम जो है कॉमन बिल्डिंग के लिए बोल रहे हैं कि कोई इमारत है, बिल्डिंग है, तो ये नाउन है और नाउन के आगे हमने क्या यूज करा है, दैट. कि दैट बिल्डिंग इज गॉर्जियसली डेकोरेटेड, तो ये क्या कहलाएगा आपका, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दैट रेफर्स टू ए सिंगुलर नाउन फार फ्रॉम द स्पीकर. जब कोई चीज आपसे दूर होती है तो आप क्या यूज करते हैं, दैट. अगर आपके पास कोई पास है और सिंगुलर है, एक है, तो आप क्या यूज करते हैं, दिस. तो ये बिल्डिंग क्या कह रहे हैं हम, दूर है, फार फ्रॉम द स्पीकर. क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, दैट बिल्डिंग. और क्या है ये, सिंगुलर है, तो हमने क्या यूज करा है, दैट. सिमिलरली दिस कार इज माइन. अब कार क्या है बच्चों, आपका नाउन है और हम फिर क्या कह रहे हैं, दिस कार. इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज जो है स्पीकर के पास है, नियर है. This refers to a singular noun close to the speaker. अगर मेरे close to the speaker होगा तो क्या यूज करेंगे बच्चों हम, this. अगर far from the speaker होगा तो क्या यूज करेंगे बच्चों, that. Only for singular. चाहे दूर हो चाहे पास हो, अगर singular है तभी हम that और this को use करेंगे. Clear? तो difference क्या है, demonstrative adjective के बाद हम क्या use करते हैं, noun को use करते हैं. अब हमने क्या बोला, बहुत सारी जो है कैट्स हैं, हम कह रहे दीज कैट्स, और सारी कैट्स क्या है, क्लोज टू द स्पीकर. दीज कैट्स आर क्यूट. दीज रेफर्स टू ए प्लूरल नाउन. अब यहाँ पे दीज किसके लिए यूज करा हमने, प्लूरल. प्लूरल मीन्स मोर देन वन. क्लोज टू द स्पीकर, अगर बहुत सारे फूल है, फ्लावर्स हैं या कैट्स हैं, फार फ्रॉम द स्पीकर है, अगर स्पीकर से दूर है तो हम क्या यूज करेंगे, those flowers are heavenly. Those refers to a plural noun far from the speaker. तो difference क्या है बच्चों, कि अगर हम pronoun के लिए use करेंगे demonstrative, this, that, these, those, तो उसके बाद हम noun को use नहीं करेंगे, but अगर हम noun को उसके बाद use करेंगे तो क्या होगा, ये demonstrative adjective. अभी यहाँ पे इसको और डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों. यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक बॉल है, राइट, और किसके पास है, क्लोज टू द जो भी यहाँ पे है स्पीकर है, तो इसके क्या है, पास है. क्लियर? तो हम क्या यूज करेंगे, आई लव दिस बॉल. क्या बोलेंगे बच्चों, आई लव दिस बॉल. दिस क्या हमारा एडजेक्टिव है, सिंगुलर के लिए हमने यूज करा है, क्लोज टू द स्पीकर है. तो यहाँ पे एक एक चीज क्लियर है, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं. दिस एडजेक्टिव है, नंबर है. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है बच्चों, दैट एडजेक्टिव है. बिल्डिंग क्या है आपका, सिंगुलर है. क्लियर? और कहाँ पे है, क्लोज टू द स्पीकर है, दैट इज वाई हमने क्या यूज कर, सॉरी, फार फ्रॉम द स्पीकर है, क्योंकि हमने क्या यूज करा है, दैट. दिस यूज करते हैं तो क्या होता है बच्चों, क्लोज टू द स्पीकर. तो यहाँ पे क्या है, दिस सिंगुलर, विसिनिटी क्या है, क्लोज टू द स्पीकर. यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है, आई लव दिस बॉल, कि मेरे क्लोज एक बॉल पड़ी है और मैंने क्या बोला, आई लव दिस बॉल. अगर मेरे से दूर होती तो क्या बोलती बच्चों, मैं आई लव दैट बॉल. दैट सिंगुलर, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर. अब दैट का अगर मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कि दैट का मतलब क्या है, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, कि आपसे दूर अगर कोई चीज है तो हम क्या यूज करते हैं, दैट. और सिंगुलर के लिए, क्लियर, सिंगुलर, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर. क्लियर? अब ये यहां से जो है उसको डायरेक्शन दे रहा है या बता रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि ये जो बॉल है, आई लव दैट बॉल. यहाँ पे सारे बच्चे देखें पिक्चर में क्या दिखा रहा है, वो उसको बता रहा है कि ये एक बॉल है, आई लव दैट बॉल. पहली वाली पिक्चर में क्या था बच्चों,
आई लव दिस बॉल, क्योंकि ये क्या है, क्लोज टू द स्पीकर एंड दिस इज फार फ्रॉम द स्पीकर, जो बता रहा है उससे दूर है, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, तो वो क्या बोलेगा, आई लव दैट बॉल, क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट एडजेक्टिव क्या है आपको, डिमोन्स्ट्रेटिव, दीज। अब दीज क्या है, प्लूरल है, मोर देन वन, क्लियर। अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं और ये क्या है, स्पीकर है जो बता रहे हैं, तो वो क्या बोलेगा, दीज ट्रीज, अब बहुत सारे मोर देन वन, तो हम प्लूरल नाउन के लिए यूज करेंगे दीज, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दीज ट्रीज आर ब्यूटीफुल। अब क्या बता रहे हैं इनके लिए कि दीज ट्रीज आर ब्यूटीफुल, क्लियर। तो ये क्या है, पास में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रीज को दूर बताया गया है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेट्स सिट नियर बाय दोस ट्रीज। इसका सेंटेंस अगर इट इज नॉट विजिबल, तो यहाँ लिख रही हूं मैं बच्चों, लेट्स सिट नियर बाय दोस्त, दोस्त क्यों यूज करा बच्चों, क्योंकि दूर है, दोस्त ट्रीज, क्लियर। तो दोस्त क्या है आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अगर पास से सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे, दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, अगर दूर है सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, दैट, अगर मोर देन वन है प्लूरल है, क्लियर, तो हम क्या यूज करेंगे, दीज, अगर दूर है और प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे बच्चों, दोस। तो ये जो है सारे बच्चे नोट डाउन करें, क्लोज टू द स्पीकर दिस, और इसके एग्जैक्ट बाद आपको क्या यूज करना है, नाउ या प्रोनाउन को यूज करना है, क्लियर। जैसे हमने यहाँ क्या यूज करा है, बॉल, किसके बाद करा है, दिस के बाद, अगर दिस के बाद आप नाउन और प्रोनाउन को यूज नहीं करेंगे तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, आप ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे उसे, क्लियर। तो सारे बच्चे नोट डाउन करें कि अगर सिंगुलर है हमारा तो हम यूज करेंगे दिस, अगर प्लूरल है तो दोस, सॉरी दीस, अगर पास है क्लोज टू द स्पीकर, अगर ये क्या है फार अवे फ्रॉम द स्पीकर और सिंगुलर है तो दैट यूज करेंगे, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर है प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे बच्चों, दोस। तो दिस का प्लूरल दीस, दैट का प्लूरल दोस, तभी ये जो है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे जब इनके बाद हम क्या यूज करेंगे बच्चों, नाउन यूज करेंगे अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर है तो दिस, प्लूरल है तो सॉरी प्लूरल है तो दोस दीस और दोस यूज करेंगे, और सिंगुलर है तो दिस और दैट यूज करेंगे, क्लियर। तो ये दोनों जो है सिंगुलर के लिए है और ये है प्लूरल के लिए, क्लियर। तो दिस का प्लूरल क्या होता है बच्चों, दीस, दैट का दोस। एनी क्वेश्चन बच्चों, सिंपल सा डिफरेंस भी आप देखेंगे कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्क्स अलोन एंड डज नॉट प्रिसीड अ नाउन, इसके बाद हम नाउन को यूज नहीं करते, अगर हम इसके बाद नाउन को यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है बच्चों, कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाइज करता है, That is why, अगर हम this, that, these, those के बाद noun को use करेंगे तो क्या बन जाएगा, demonstrative adjective. Is it clear? Any question बच्चों? तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, qualitative adjective, quantitative adjective, distributive adjective and demonstrative adjective. Next or interrogative adjective. Clear? Next is your possessive adjective. Possessive adjectives क्या होते हैं बच्चों? A possessive adjective indicates possession or ownership. जैसे हमने pronoun में पढ़ा था बच्चों, similarly यहाँ पे जो possessive adjectives होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे अभी हम discuss करेंगे कि difference भी बताएंगे आपको दोनों में क्या difference है, कि पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है या पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, क्लियर। सम ऑफ द मोस्ट यूज्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव्स आर माय, हिज, हर, आर, देयर, योर।
ऑल दीज एडजेक्टिव ऑलवेज कम, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन. तो पॉसेसिव एडजेक्टिव को हमेशा हम किससे पहले यूज करते हैं? बिफोर नाउन. अनलाइक पॉसेसिव प्रोनाउन, तो बच्चे कभी कंफ्यूज करते हैं, तो पॉसेसिव प्रोनाउन दीज वर्ड्स डिमांड अ नाउन आफ्टर देम. पहले अगर हम यूज करेंगे नाउन से पहले तो क्या कहलाएंगे? ये हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव. अब डिफरेंस क्या है दोनों में, पहले हम ये डिस्कस करते हैं और लेटर हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे. आई थिंक ये आपको क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख रही हूँ. आई आई यू ही शी इट वी यू दे. क्लियर? अब यहाँ पे क्या है कि जो हम सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन होते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं, आई यू ही शी इट वी यू दे, इसके बाद हम क्या यूज करते हैं? वर्ब. क्लियर? आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर. बट पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आई का क्या हो जाता है? माई, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, वी का आर, यू का योर, दे का देयर. क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? दीज आर माई शूज. अब यहाँ पे शूज बने हैं तो हमने कहा दीज आर माई शूज. तो शूज क्या है? आपका नाउन है और नाउन से पहले हमने क्या यूज करा है? माई, मेरे शूज हैं. तो माई क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव. तो अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा बच्चों? कि इनके बाद हम क्या यूज करते हैं? नाउन को यूज करते हैं. माई नाउन, योर नाउन, हिज नाउन, हर नाउन, सबके बाद क्या यूज करना है आपको? नाउन को यूज करना है. तो ये क्या कहलाएंगे? पॉसेसिव एडजेक्टिव. इनके बाद हम क्या यूज करते हैं? वर्ब को यूज करते हैं. क्लियर? तो पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो इसमें डिफरेंस आप देखें कि क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस. यहाँ पे हम वर्ब को यूज करते हैं और यहाँ किसको यूज करते हैं? नाउन को. लेट्स सी द एग्जांपल, सम मोर एग्जांपल. माय कार इज पार्क्ड आउटसाइड. अब हमने क्या बोला बच्चों? माय, मेरी कार. तो कार क्या है आपका? नाउन. तो अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद हम क्या यूज करते हैं? नाउन. हिज कैट, उसकी कैट. आवर जॉब, हर बुक्स. राइट? तो आर माई या माई कार, आर बुक्स. क्लियर? तो यहां पे क्या है? सिंपल सा है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद हम क्या यूज करेंगे? नाउन. क्लियर? तो डिफरेंस ये यहाँ पे है कि यहाँ पे वर्ब यूज करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे? पॉसेसिव एडजेक्टिव. क्लियर? अब माई है, योर है, हिज, हर, इट्स, आर. अब यहाँ पे देखो बच्चों, दीज आर माई शूज. अब हमने क्या बोला यहाँ पे? दीज आर माई शूज. अभी हमने पढ़ा था दीज क्या है बच्चों? डिमोन्स्ट्रेटिव भी है. तो डिफरेंस दिखा रहे हैं हम आपको, बता रहे. तो हमने यहाँ क्या बोला था बच्चों? दीज के बाद अगर हमें क्या यूज करना है? नाउन को यूज करना है, तभी ये हमारा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा. बट यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में दीज आर माय शूज, तो यहाँ पे दीज जो है आपका डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज करा है? वर्ब यूज करा है. आर इज योर वर्ब. तो डिफरेंस भी देखते रहे, अगर कोई सेंटेंस आता है दिस और दैट यूज करा है और उसके बाद एग्जैक्ट जो है आफ्टर दैट वर्ड हमने कोई वर्ब यूज करा है तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा. अगर हम वहां पे नाउन को यूज करेंगे तभी वो क्या कहलाएगा बच्चों? आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. क्लियर? तो यहाँ पे ये सेंटेंस में यहाँ पे ये क्या है? इट इज नॉट योर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बट माई इज योर
पॉसेसिव एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, नाउन यूज किया है। क्लियर? तो ये डिफरेंस है यहाँ पे कि मैं जो है अगर यहाँ पे कोई भी नाउन को यूज कर रही हूँ और पॉसेसिव एडजेक्टिव को यूज करी हूँ तो क्या कहलाएंगे वो हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो डिफरेंस हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लिया है कि अगर हम पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद जो है वर्ब को यूज करते हैं और इनके बाद हम क्या यूज करते हैं, नाउन को यूज करते हैं, और दोनों को यहाँ पे लिखा गया है और कंपेयर करा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो जितना पढ़ा है पहले उसको रिवाइज करते हैं और कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या होती है बच्चों, डिस्क्रिप्टिव और एब्जेक्टिव। तो ये हमने कल पढ़ा था बच्चों। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव वर्ड से आपको पता चल रहा है, क्वालिटी का पता चलता है, किसकी क्वालिटी का पता चलता है, नाउन को मॉडिफाइज करता है, नाउन की क्वालिटी को बताता है, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एब्जेक्टिव। गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है, अगली है, कोई भी आप उसकी शॉर्ट है, टॉल है, लार्ज है, कोई भी वर्ड आप यूज करेंगे बिफोर नाउन। तो ये आप बिल्कुल अपने माइंड में रख लें कि कोई भी वर्ड हम नाउन और प्रोनाउन से पहले लिखे हैं या नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, एडजेक्टिव। अब अलग अलग हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको क्वालिटेटिव है, अगर क्वालिटी बता रहा है गुड है बैड है तो क्या है वो, क्वालिटेटिव है। अगर क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, वन है, टू है, फर्स्ट है, सेकंड है, या सम है, फ्यू है, लिटिल है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटिटेटिव। क्या बोलते हैं उसे, क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या आते हैं कि पूरी क्लास के लिए अगर मैं बोल रही हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास, तो मैं क्या बोलूंगी, ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, कि प्रत्येक स्टूडेंट, बोल रही मैं पूरी क्लास के लिए हूं, तो क्या है ये रेफर, किसके लिए रेफर कर रहे हैं, टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप एज इंडिविजुअल, ईच स्टूडेंट हैज अ बुक। क्लियर? तो बहुत सारे बच्चों के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया है, ईच स्टूडेंट इज वेयरिंग अ यूनिक ड्रेस। क्लियर? सिमिलरली ईच बॉय वॉज गिवन एन एप्पल, कि प्रत्येक बॉय को, बहुत सारे लड़के हैं और सबके लिए मैं बात कर रही हूँ कि प्रत्येक बच्चे को जो है एप्पल मिला है। क्लियर? सिमिलरली इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का भी मैंने आपको बताया था, अगर हम क्या करेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन को यूज करेंगे अगर हम यहाँ पे नाउन को यूज करेंगे तभी ये क्या कहलाएंगे हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर हम इसके बाद में नाउन को यूज नहीं करेंगे या वर्ब यूज करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे हम जब तक कि इनके एग्जैक्ट बाद हम कोई नाउन यूज नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है दैट, दीज, दोस। आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि यहाँ पे हमने पिक्चर के थ्रू भी आपको समझाया था कि अगर सिंगुलर होता है, क्लोज टू द स्पीकर होता है तो हम क्या यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, दीज, और प्लूरल अगर फार अवे फ्रॉम द स्पीकर होता है तो हम क्या यूज करते हैं, दैट। इन्हीं का दीज का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोस। अगर बहुत सारी चीजें जो है प्लूरल है कोई नाउन और क्लोज टू द स्पीकर होता है तो हम क्या बोलते हैं, दीज, और अगर फार अवे फ्रॉम द स्पीकर होता है तो हम क्या यूज करते हैं, दोस। क्लियर? तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि पास में है तो हमने क्या बोला, आई लव दिस बॉल, दूर है और एक है तो हमने क्या बोला, आई लव दैट बॉल। सिमिलरली दीज ट्रीज आर ब्यूटिफुल, लेट्स सिट नियर बाय दोस ट्रीज, क्योंकि ट्रीज क्या है, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा कि किस तरह से हम पॉसेसिव एब्जेक्टिव के बाद क्या यूज करते हैं, नाउन, अगर नाउन यूज नहीं करेंगे तो ये पॉसेसिव एब्जेक्टिव नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर एब्जेक्टिव। अब प्रॉपर एब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों, प्रॉपर एब्जेक्टिव्स आर द एब्जेक्टिव्स फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन आपको पता है बच्चों क्या होता है, प्रॉपर नाउन आपका नाम क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्लियर? तो अगर प्रॉपर नाउन से हम कैसे प्रॉपर एब्जेक्टिव बनाते हैं, लेट्स सी, व्हेन प्रॉपर नाउन मॉडिफाई और डिस्क्राइब अदर नाउन और प्रोनाउन दे बिकम प्रॉपर एब्जेक्टिव।
प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर यूजुअली कैपिटलाइज एज प्रॉपर नाउन्स आर। अब कैसे बनाते हैं अफ्रीका, अफ्रीका क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, आप लोगों ने पढ़ा है ना, नाउन हमने पढ़े थे तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन सारे हमने पढ़े थे, तो प्रॉपर नाउन क्या है, अफ्रीका इज अ प्रॉपर नाउन। अगर हम क्या बोलेंगे अफ्रीकन, या हम इंडिया के हैं तो हम क्या बोलेंगे इंडियन, तो इंडियन क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर एब्जेक्टिव हो जाएगा, क्लियर। एशिया के क्या बोलते हैं हम एशियन, तो एशियन क्या बन गया आपका प्रॉपर एब्जेक्टिव, क्लियर। तो अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, अब हम यहां ये नहीं बोलेंगे अमेरिका कार, हम क्या बोलेंगे अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अमेरिकन किससे बना है हमारा, अमेरिका से, किससे बना है अमेरिका, और अमेरिका क्या है आपका प्रॉपर नाउन, अमेरिका क्या है बच्चों प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से कैसे है? हम क्या बना रहे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, क्लियर। तो व्हेन प्रॉपर नाउन्स मॉडिफाई और डिस्क्राइब अदर नाउन और प्रोनाउन्स दे बिकम प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव आर यूजुअली कैपिटल लेटर से हम इसको यूज करते हैं, चाहे हम इंडियन लिख रहे हैं, चाइनीज लिख रहे हैं, अमेरिकन लिख रहे हैं, अफ्रीकन लिख रहे हैं, इटालियन लिख रहे हैं, तो सबको आपको किसे यूज करना है कैपिटल लेटर से, क्लियर। तो अमेरिका से क्या बना है बच्चों अमेरिका, तो अमेरिका का अमेरिका क्या है बच्चों प्रॉपर नाउन, क्लियर। तो अमेरिकन कार्स ये क्या है हमारा नाउन, चाइनीज पीपल आर हार्ड वर्कर्स, तो किसको मॉडिफाई करें नाउन को मॉडिफाई करें, तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है हमारे अमेरिकन, अमेरिका कार नहीं बोलते हैं, चाइना पीपल नहीं बोलते हैं, हम क्या कहते हैं चाइनीज पीपल, इंडियन पीपल आर हार्ड वर्कर्स, क्लियर। तो ये आप जो यहाँ पे फोकस करें, अफ्रीका से क्या बना बच्चों अफ्रीकन, इंडिया से क्या बना इंडियन, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन है और ये क्या है हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव है, इटली से इटालियन, एशिया से एशियन, अमेरिका से अमेरिकन, क्लियर, चाइना से चाइनीज। ऐसे आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको क्लियर, तो डिफरेंस देख रहे हैं आप प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव, कैसे हम इसी से जो है प्रॉपर एडजेक्टिव को बना रहे हैं, अगर अमेरिकन होगा तो प्रॉपर एडजेक्टिव है, अगर अमेरिका बोलेंगे तो क्या होगा बच्चों वो प्रॉपर नाउन, क्लियर। तो इसको सारे आप जो है रिवाइज करके आएंगे जितने भी हमने टाइप्स पढ़े हैं बच्चों, और कल इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे, कैसे हम उसे फॉर्म करते हैं या कैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं। तो जितने भी हमने टाइप्स पढ़े एडजेक्टिव के सारे बच्चे घर में जाके रिवाइज जो टॉपिक को घर में जो है रिवाइज द टॉपिक एट होम, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।